श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बरसाने वारी की जय। सभी वैष्णवों को प्रेम भरी राधे राधे। आज की हमारी वीडियो आमल की एकादशी के उपलक्ष्य में है। 1000 गोदान का फल देती है आमल की एकादशी। इस एकादशी को वृंदावन में रंगभरी एकादशी भी बोलते हैं, फागुन शुक्ल एकादशी। आइए इस एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। उससे पहले हमारा अनुरोध है, अगर आपने हमारे पेज को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कृपा करके इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे रेड कलर का आइकन है सब्सक्राइब का, जिससे समय समय पर होने वाली मधुरम और आनंदमय लीला या अपलोड्स आपको समय से मिलती रहें और आप उनका आनंद ले सकें। आपसे हमारा अनुरोध है, आप इस वीडियो को अंत तक सुनें और इस कथा का आनंद लें। एकादशी की कथा सुनने से हृदय में श्री प्रिया प्रीतम श्री श्यामा श्याम के प्रति प्रेम उमड़ता है और उनके प्रेम की प्राप्ति होती है। आइए हम एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी दुराचारी तथा मानसिक उस पापी दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंच रत्न आदि से धात्री यानी कि आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात्रि के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिए इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिए की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी,
कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान ना रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पोत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसके भ्रकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितेशी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो यह है आमल की एकादशी, जो कि फागुन शुक्ल एकादशी भी कहलाई जाती है, इसकी पावन कथा थी। आशा करते हैं आपने सभी ने प्रेम पूर्वक इस कथा को सुना और आपने इसका आनंद लिया। आपसे पुनः अनुरोध, हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी आशा के साथ आप सभी के हृदय से प्रिया प्रीतम को हमारी राधे राधे प्रणाम। सभी को पुनः राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।